और सत्य के साथी है, सत्य हमेशा मैदान से उतरना होगा। जिस तरह यूपी में प्रियंका गांधी जी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें धक्का लगाया गया, उसका प्रोटेस्ट आज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री श्रीनिवास जी विजिट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश भवन में वो चल रहे हैं, उसी तरह में जहां नहीं आ सके उनके साढ़े सात बजे यहाँ पर फ्री आया था। और हम लोग जो काबिल लेते जिसके लिए हम लोग आगे बढ़े थे, तो हम लोगों का मकसद क्या था, क्योंकि संविधान का भी है वो बीजेपी वाले जो बोले हैं वो लोग पढ़े, और उत्तर वाले से प्रार्थना था कि उनको बुद्धि दिया जाए, डेट वो सीन किया जाए, हम लोग करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो हम लोग किस दिन आगे मिलते हैं, अभी हम लोगों का जो दावी है कि वो संविधान का भूत वहां से कोई भी आ जाए वो लेके इसके यहां तक पहुंचा दे, हम लोग का प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके अलग में कोई भी आके हम लोगों से वो संविधान का भूत ले ले, हम लोग वहां पर अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। इतना कॉपरेट आप लोग किसी हम लोगों के साथ, हम लोग पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। और मैं बोलूंगा बंगाल के इंसान राजीव अंसारी जी से थे, वो भी अपने दोषक पूरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिए उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो प्रोग्राम था आज, हम लोग बीजेपी को संविधान के बारे में बताने वाले थे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ये जुलूस को ले जा रहे थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने यहाँ पर हमें रोका है। हम लोग का एक ही मकसद है कि बीजेपी वाले संविधान को पढ़े, जिस आधार पे वो धर्म के आधार पे लोगों को यहाँ बांटना चाहते हैं, वो हम लोग जमी नहीं देंगे। पूरा कांग्रेस इसके लिए अपनी जान से जान लगा देगी। साथियों, हम लोग यहाँ पर हम लोग लेके जा रहे थे, और मैं कोलकाता पुलिस से आग्रह करूंगा, अगर आप हमें रोके हैं यहाँ पर, तो उसके प्रतिनिधि आप खुद रिसीप्ट कीजिए और ले जाके बीजेपी वालों को दीजिए ये संविधान पत्र, ताकि वो पढ़े और उनको सद्बुद्धि आए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया यूथ कांग्रेस की तरफ से, जो आज आके आप लोगों ने अपना हक में अफजाई किया, आज ये बीच उन लोगों ने अलाउ कर दिया है, हम लोग जा रहे हैं लेके, और आप सभी शांतिपूर्वक तरीके से वापस हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। উত্তর বঙ্গা বৃন্দ হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চর জল ভিতরঙ্গা তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মা।